तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सेट कूल वाले लड़के में। आकाश भाई यार, मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ यार। मैं आईटीआई कंप्लीट कर लिया हूँ यार, मगर बट यार समझ नहीं आ रहा है मैं आगे करूँ तो करूँ क्या, जॉब करूँ कि क्या करूँ यार, आप ही कुछ बताइए। तो जैसे कि मेरे दोस्त परेशान है कैसे आईटीआई करने के बाद, वैसे आप लोग भी बहुत परेशान होंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप आईटीआई करने के बाद आप तीन चीज कर सकते हो। पहले आप उसके आगे कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो, जैसे आपके सीटीआई कर सकते हो, उसके बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। इसलिए आपको फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप ये सब कर पाओगे, वरना ये सब नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप पहला तो ये हो गया आपका, जो आपके आगे कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो, जो पढ़ने का मन किया तब करना, ऐसे फालतू मत कर देना यार कि लोगों को बस दिखाने के लिए हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस आपका मन किया तो करना। और सेकंड, उसके बाद आप ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पहले रेलवे में आपको फॉर्म वाम आती है उसको भर देना चाहिए। आपको 60% से ऊपर हो, आपको लगे कि हाँ भाई मैं निकाल लूँ गवर्नमेंट जॉब, तो आप कर सकते हो, वरना आप वो भी स्किप कर दो, वो भी छोड़ दो, आपको वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन, आपका लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप कंपनी में जाकर अप्रेंटिस कर सकते हो। अप्रेंटिस करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो इसलिए आप अप्रेंटिस कर लीजिए कंपनी में। सारी कंपनी अप्रेंटिस करवाती है, जैसे टाटा मोटर्स अभी करवा रही है अप्रेंटिस, आपकी बजाज मोटर्स करवा रही है अप्रेंटिस, अभी बहुत सारी कंपनियां अप्रेंटिस करवा रही है, तो अप्रेंटिस कर लीजिए। उसमें सैलरी हो जाती है आपकी अच्छी खासी, 9,000 रुपये से ऊपर सैलरी हो जाती है। तो जिसको भी अप्रेंटिस करना हो तो यहाँ कर सकते हो। और ये तीन चीज़ करने के बाद और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो आप सुटकुल में जाकर काम कर लीजिए। आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हो और वो प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट में आप ये अप्रेंटिस कर सकते हो और ये क्या बोलते हैं प्राइवेट में भी अप्रेंटिस कर सकते हो, तो दोनों में कर सकते तो कर लेना। और मेरे दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे दोस्त को भी समझा दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप भाई तुझे समझ आ गया क्या करना चाहिए, क्या करेगा तू अब आगे? अब मैं आगे सुटकुल में जॉब करूंगा। हाँ तो देखो गाइस, क्योंकि यार ये पढ़ने में देखो कमजोर है, तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं यार, जो जो है वो है। तो यार ये इसके 40% आई थी, इसलिए वो आगे पढ़ाई ना करते हुए ये सोच रहा है कि मैं काम करूंगा, अपने फैमिली को सपोर्ट करूंगा ना। तो ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है गाइस। तो आप लोग भी देख लो अपने हिसाब से, आपका अच्छा परसेंटेज है, आपको पढ़ने में मन लगता है, तो आप पढ़ाई कर लीजिए आगे, और नहीं तो आप सुटकुल में जॉब कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को इस वाले वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ ब्लॉग कैसा लगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करते यार भाई, कर लो यार सब्सक्राइब कर लो, कमेंट एक बड़ा प्यारा सा कमेंट प्रताप भाई के लिए। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।